आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों के बाद करना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए और कोई डाउट ना रहे प्रेगनेंसी को लेकर कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो एग्जैक्ट टाइम है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पीरियड साइकिल को समझना होगा। देखिए जो फीमेल्स होती हैं उनको दो टाइप के पीरियड साइकिल होते हैं। फर्स्ट जिनका रेगुलर पीरियड साइकिल है, मतलब कि फीमेल्स को पता होता है कि उनको पीरियड्स कब आने हैं और कब ख़त्म हो जाएंगे। और जो दूसरे टाइप के पीरियड साइकिल हैं वो इरेगुलर पीरियड साइकिल होते हैं, मतलब कि फीमेल्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि उनको पीरियड्स कौन सी डेट को आएंगे और कौन सी डेट को वो ख़त्म होंगे। तो जिन भी फीमेल्स का रेगुलर पीरियड साइकिल होता है उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट उनकी पीरियड साइकिल की डेट जब मिस हो जाए और 5 दिन जब एक्स्ट्रा हो जाए तो उनको 6वें दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी फीमेल को 5 तारीख को पीरियड्स आने हैं तो उनको कम से कम 10 तारीख तक पीरियड्स आने का वेट करना चाहिए। और अगर पीरियड्स नहीं आते तो 11 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 5 तारीख से पहले, मतलब कि पीरियड साइकिल की डेट जब मिस हो जाए, अगर आप उससे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो कई बारी ऐसा होता है कि जो हार्मोन्स पीरियड्स को लाने का काम करते हैं, हार्मोन्स के बदलाव के कारण कई बारी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो जो हार्मोन्स में बदलाव होना है वो पीरियड साइकिल की डेट जब मिस हो जाए तब तक वो बदलाव हो जाते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 दिन ऊपर हो जाने के 6वें दिन अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और आपका रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको 99.8% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी सही तरीके से करना आना चाहिए। उसके लिए आपको YouTube पर जाना है, आप सर्च करेंगे प्रेगा न्यूज़ बाय पासी चैंप और हमारे चैनल की जो सबसे बेस्ट वीडियो है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वो आपको ईजिली दिख जाएगी। उसको देखिए, समझिए और प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। दूसरी कंडीशन है इरेगुलर पीरियड साइकिल वालों के लिए, और जिनका रेगुलर पीरियड साइकिल है वो भी अब आगे का जो वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है या फिर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, अगर आप उसको लेकर प्रेगनेंसी को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो अगला पार्ट आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इरेगुलर पीरियड साइकिल में जो पीरियड साइकिल हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भरा हो जाता है कि उनको पता ही नहीं होता फीमेल्स को कि भाई कब पीरियड्स आएंगे कब नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जिस भी डेट को आपको लग रहा है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है उस डेट के 21 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको लगा कि आपको जो प्रेगनेंसी है वो 2 तारीख के रिलेशन बनाने के कारण रुकी है तो आपको 23 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर 23 तारीख को भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो ये 100% क्लियर है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। कई बारी पेशेंट यूजली एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर देरी तो नहीं हो जाएगी किसी बात के लिए। अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलूं तो अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो हम लोग यूजली 6वें वीक पर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड की जो भी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर आपको प्रेगनेंसी में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो स्टार्ट करनी होती है। कम से कम 6वें सप्ताह पर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अगर आप उससे पहले कराओगे तो कुछ भी क्लियर आउट नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो भाई आप लोगों के लिए ना कम से कम 7 वीक्स काफ़ी होते हैं, मतलब कि 49 दिनों की अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो ईजिली ख़त्म हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है। लेकिन आपको स्टिल कोई परेशानी है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप नियरेस्ट किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अलग तरीक़ों से अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हो। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड, तीसरा तरीका है ब्लड टेस्ट जिसे सीरम बीटा एसीजी
ब्लड टेस्ट कहते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।